है। यूनिक आईडी कार्ड को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक की गई। इस बैठक में विधायक बन्ना गुप्ता और रघुवर दास को कार्ड दिया गया। वैसे ये शहर के दोनों पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कार्ड दिया गया। भारत सरकार देश के हर नागरिक को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने जा रही है। यह भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है और यह नंबर आंतरिक सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है। इसके लिए योजना आयोग ने एक कमेटी की गठन की है। कुल 6 करोड़ खर्च आएंगे इस कार्ड को लेकर। आज इसी कार्ड को लेकर उपायुक्त कार्यालय में बैठक की गयी। इस बैठक में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रघुवर दास, पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता, उपायुक्त हिमानी पांडे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज जिला प्रशासन के द्वारा यूनिक आईडी कार्ड बनाने का शुभारंभ हुआ, जिसमें हम माननीय विधायक बन्ना गुप्ता, जिला के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों का आज बना और ये यूनिक कार्ड फिर पूरे जिले में निर्माण हुआ, जिससे आम जनता का जो फिर आईडी कार्ड में प्रॉब्लम है, फोटो में या फिर एज में या फादर नेम इधर उधर नेम में, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसमें स्तंभ से लेकर चेहरा आँख सबका क्लियर, जिसका शुभारम्भ आज जिला में हुआ। आईडी कार्ड पूरे इंडिया में ये लागू है, हर सिटीजन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उसके लिए ये जमशेदपुर में आज लॉन्च किया गया है। कितने आदमी आज कर चुके हैं, आज किन किन का हुआ? लगता है कि डीसी मैडम से स्टार्ट हुआ है, हमारे दो विधायक रघुवर दास जी और बन्ना गुप्ता का हुआ है और अन्य लोगों का चल रहा है। ये लगातार चलेगा जब तक खत्म आज से स्टार्ट हो जाएगा ये। हाँ से हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए मेन अभी शुरू हुआ है, शहरी क्षेत्र के लिए फिर अलग से टीम आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ सकता है? उसमें एक फॉर्म भरकर आपको देना है। कितने टीम आई है सर? अभी 2 टीम काम कर रही है। हाँ? और टीम आएगी, संख्या बढ़ेगा। इसमें क्या सारा फोटोग्राफी यहीं पे होगा? हाँ नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक में होगा, रूरल एरिया में ब्लॉक्स में होगा।